गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हमारी सीआई क्लास 14 है, 14 नंबर की क्लास, ठीक है। चलो हम टाइप 6 पर थे, हाफ ईयरली 3 मंथली 4 मंथली है ना, और टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था। अब मैं आ रहा हूं टाइप 6 के क्वेश्चन नंबर 2 पर, टाइप 6 सवाल नंबर 2। चलिए तो आ जाते हैं, क्लास शीट है ना, क्लास शीट की बात कर रहा हूं मैं। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं हम, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, 1000 रुपए पर 40% वार्षिक दर से त्रैमासिक संयोजित, 1000 रुपए पर 40% वार्षिक दर से त्रैमासिक संयोजित एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैंने बताया सबसे पहले इन सवालों के अंदर से क्या निकालना है आपको, टाइम रेट और तिमाही, 6 माही 4 माही कितना है, त्रैमासिक है ना, या फिर इंग्लिश में क्वार्टरली। तिमाही यानी कि 3 मंथली, तिमाही यानी कि 3-3 महीने के साइकिल बनेंगे। एक साल, टोटल एक साल है, आप पढ़ लो सवाल को, 1 ईयर यानी कि 1 वर्ष का टोटल टाइम है। रेट की बात करें तो भैया 40% पर एनम लिखा है, देखो 40% पर एनम यानी कि 40% वार्षिक लिखा है, यानी कि 12 महीने का 40 है। चलो भैया अब 1000 रुपए के ऊपर, 1000 रुपए के ऊपर है ना, तो चलिए एक साल, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक साल कितना है टाइम, एक साल, एक साल की टोटल उधारी, एक साल यानी कि 12 माह की उधारी है। अब ये 12 माह तिमाही तिमाही का साइकिल बनेगा, तो 12 में 3 महीने के कितने सेट बनेंगे, 4 सेट बनेंगे, सीधी सी बात है। 3 माह, 3 माह, 3 माह, कल की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी मैंने सारी चीजें, तिमाह, क्लियर। अब देखो 12 महीने, वार्षिक 40% है, 12 महीने का यदि 40 है, अब सीधी सी बात है 12 महीने का यदि 40 है तो 3 महीने का बताओ 10% आएगा क्या, बोला, क्योंकि 6 महीने का 20 हो जाएगा, 3 माह का 10 हो जाएगा, तो 3 माह का, हमारी ये दुनिया नहीं है, हमारी दुनिया भी ये वाली है, 3 महीने का 10% 10% 10% और 10%, क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, 1000 रुपए की राशि है भैया, 1000 रुपए की राशि, मूलधन दिया 1000 रुपए, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। तो चलिए 4 साइकिल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4a + 6b + 4c + d, बोलिए होता क्या, नहीं होता। 3 तरीके बताए थे, एक ABCD वाला, एक रेशियो वाला, एक रिजल्टेंट वाला, है ना। तो सबसे पहले ABCD वाले से कर ले, है ना, 4 साइकिल का CI निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है, बता दो ABCD का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो मूलधन है 1000, इसका रेट परसेंट निकालते जाओ। अब आपका रेट परसेंट क्या काम करेगा, 10%, क्लियर। तो 1000 का 10% बताइए 100 रुपए आएगा, फिर 100 रुपए का 10% बताइए 10 रुपए आएगा, फिर 10 रुपए का 10% बताइए 1 रुपया आएगा, फिर 1 रुपए का 10% कितना आएगा, 0.1, क्लियर इतनी बात। तो ए का वैल्यू 100 × 4 = 400 प्लस बी का वैल्यू 10 × 6 = 60 प्लस सी का वैल्यू 1 × 4 = 4 प्लस 0.1, तो बताइए CI कितना आया, इसको जोड़ो जरा, 464.1 आया क्या, 0.1 ये आया भैया CI, ये आपका आंसर है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, बोलो समझ में आई बात, इतनी सी क्लियर है, ये ABCD वाला तरीका, ठीक है। अब रेशियो वाले तरीके से जाओगे, 10% क्या रेशियो बनाता है, 10 से 11, तो मूलधन से मिश्रधन, 10 से 11 चार बार आएगा, तो मूलधन से मिश्रधन की बात करेंगे तो सीधी सी बात है 10 की घात 4 और 11 की घात 4 आएगा कि नहीं आएगा, 10 की घात 4 होता है 10,000, 11 की घात 4 होता है 14641, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज 4641 यूनिट बनेगा क्या, दिख रहा है सभी को, क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है देखने में, तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज 4641 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा आपका 4641 यूनिट, है ना। अब देखो जरा यहां से यदि मैं देखूं तो 1000 यूनिट मूलधन किसके बराबर दिया है, 1000 रुपए, 10,000 यूनिट मूलधन 1000 रुपए के बराबर दिया है, तो 10,000 यूनिट बराबर 1000 यानी कि 1/10 का रिलेशन है, ये 10,000 यूनिट का वैल्यू 1000 रुपए यानी कि 10 कम कर दो, या फिर 1/10 का रिलेशन है कि नहीं है, तो इसमें 1/10 करेंगे आप तो बताइए 464.1 रुपीस CI आएगा कि नहीं आएगा, ये 464.1 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। अब थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा नीचे की ओर, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो 464.1 लिखा है मैंने, 464.1 यूनिट का 1/10 यदि आप करोगे 1/10 तो ये आएगा 464.1, समझ आई बात, तो 464.1 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना, ठीक है, दिख रहा है, ओके ठीक है, मैनेज करना थोड़ा सा, है ना। अब रिजल्टेंट की बात करें तो भैया 10-10% चार बार का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो अब सुनना मेरी बात, है ना,
10% 10% कितनी बार? 4 बार। अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने रिजल्टेंट आपको 3 बार का बताया, 4 बार का नहीं बताया, है ना। और 4 बार का सीखना भी नहीं है, 4 बार में दिमाग लड़ाना भी नहीं है, सिर्फ हमें 3 बार का सीखना है। लेकिन 10-10% 4 साल या 4 साइकिल के केस में 10% बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यह कहना है आपसे कि एटलीस्ट 4 साइकिल का 10% का रिजल्टेंट आप याद कर लो, बाकी किसी का याद मत करो, 4 साइकिल में सिर्फ 10% याद कर लो। बहुत कॉमन है, बार बार पूछा जाता है। तो मैं बता दूं, 4 साइकिल 10% का रिजल्टेंट होता 46.41%। कितना होता है? 46.41%। अब सवाल उठता बनता है, देखो एबीसीडी देख लिया आपने, रेशियो देख लिया, अब रिजल्टेंट बता देता हूं। एबीसीडी मिटा दूं थोड़ी सी देर के लिए, है ना। तो चलिए मैं एबीसीडी मिटा देता हूं, ठीक है। चलो एबीसीडी मिटा रहा हूं, है ना, ताकि यहां पे मैं रिजल्टेंट आपको बता सकूं, ठीक है। चलिए देखिए जरा आप लोग, है ना, ठीक है, क्योंकि सीख तो कर लिया हमने, आज सवाल करने तो फटाफट करेंगे हम स्पीड से थोड़ा सा, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, मैं बताता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ठीक है, है ना। तो भैया 46.41% कैसे है? अब आप जानते हो, 1000 रुपये पर 1000 रुपये का 10-10-10-10 4 बार का रिजल्टेंट क्या होता है? 46.41%। कहने का मतलब कैसे निकलता है मैं बताता हूं, पहले आंसर निकाल लेते हैं। अब उसने क्या बोला, देखिए 1000 रुपये पर ओवरऑल चारों साइकिल का 10% मिला के इतना ब्याज आप दे रहे हो। तो 1000 रुपये पर टोटल कितना परसेंट आप ब्याज दे रहे हो 4 सेट में? 46.41%। तो 1000 का 46.41% निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 का गुणा इसमें होगा तो 464.1 रुपीज आंसर आ जाएगा। ये रिजल्टेंट 10-10-10-10 4 बार का रिजल्टेंट होता 46.41%, क्लियर। तो 1000 का 46.41% निकालेंगे, 464.1 रुपीज आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। अब सवाल उठता सर, 46.41 कैसे निकाला आपने 4 साइकिल का? तो अब देखो, 4 का मत निकालो, 2-2 का निकालो, 2-2 का। 10-10% का रिजल्टेंट 21 होता है, 10-10% का रिजल्टेंट 21 होता है, 10-10% का रिजल्टेंट कितना होता है? 21। 10-10% का रिजल्टेंट कितना होता है? 21। समझ में आ रही बात? कैसे होता है वो 2R और R² वाले फॉर्मूले से। अरे भैया हमारा फॉर्मूला है ना यार 2R और R² वाला, उससे, क्लियर। 2R यानी कि सिर्फ 2 साल का 10% का निकालो, तो R बराबर 10 × 10 = 20 हो जाएगा, R बराबर 10। 2 साल का 10% का 21 कैसे है ये बता रहा हूं। तो 10 × 10 = 20, और 10 का स्क्वायर, R बराबर 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100। 10 का स्क्वायर 100 का केवल 0 0 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा। भैया 10 का स्क्वायर 100 आएगा, केवल 2 प्लेसेस फिल कर सकते हो, तो 100 का 0 0 1 कैरी हो जाएगा, तो 20+1 = 21.00। बताइए 21% बनेगा कि नहीं बनेगा? 10 10 का 21, इस 10 10 का 21। अब 21 21 2 बार का निकाल लो, देखो 2 साइकिल 21 21 के हो गए कि नहीं हो गए। तो अब इसी सांचे में किसको डाल दो? 21 को। समझ आ रही बात? भैया 2 साइकिल 21 21 का रिजल्टेंट निकाल लो आप, 21 21 का, आर बराबर 21, आर बराबर कितना? 21% लगाओ, 21 21 × 42, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर भैया 441 होता, 441 का 41 चार कैरी हो जाएगा, तो 42+4 46.41% रिजल्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो जरा, है ना। 42+4 46.41% रिजल्टेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 10 10 का 21 10 10 का 21, फिर 21 से 46.41। कहने का मतलब किन्हीं भी 4 साल का 4 साइकिल का रिजल्टेंट आप 2 को 1 बना के, फिर उसको 2 को 1 बना के ऐसे चेन बना के आप निकाल सकते हो। समझ आई बात? तो 10 10% 4 बार का रट के रखना है आपको, कि 10 10% 4 साइकिल का रिजल्टेंट 46.41 बहुत कॉमन है, रट के रखना है। समझ आई बात? क्लियर। तो समझ गए ये वाला सवाल आप लोग? चलो अगले सवाल पर चलते हैं हम, है ना। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है ना, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, सवाल नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार, है ना। सतीश द्वारा 8000 रुपये की धनराशि, मैंने बोला ना क्या 3 चीजें चाहिए आपको, टाइम चाहिए, रेट चाहिए, और तिमाही, 6 माही, 4 माही क्या है वो चाहिए। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। सतीश द्वारा 8000 रुपये की धनराशि यूनियन बैंक जमा की, जिस पर उसे 12% की दर से, 12% की दर से, अब इसमें देखो वार्षिक नहीं लिखा, फिर भी हमें मानना है वार्षिक, ना लिखे कुछ भी तो उसको वार्षिक ही मानोगे, 12% वार्षिक दर से, ठीक है। आगे 4 तिमाही क्या है भैया, वार्षिक दर से त्रैमासिक आधार, यानी कि तिमाही लगेगा, 3-3 महीने का एक साइकिल बनेगा भैया, है ना, तिमाही 3-3 महीने का एक साइकिल बनेगा, ठीक है। 15 महीने टोटल टाइम कितना है? 15 माह।
भैया 15 माह का कुल ब्याज निकालना है, 15 महीने का कुल ब्याज निकालना है, तो टोटल समय कितना है, बनाओ स्ट्रक्चर 15 माह। टोटल समय है आपका 15 माह। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को क्लियर। और तिमाही चलाओगे तो 3-3 महीने के 5 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो बनेंगे क्या 3-3 माह के 5 सेट, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 3-3 माह के 5 सेट बनेंगे, है ना। अब रेट की बात करें, 12% वार्षिक, यानी कि 12 महीने का 12% है भैया, ध्यान रखना है ना, 12 महीने का 12% है, 3 महीने का 3% आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो बताइए 3-3% के 5 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, 12 महीने का 12% है तो 3 महीने का कितना आएगा 3%। तो बताइए 3-3 महीने के 5 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, है ना। तो 3-3 महीने के कितने सेट बनेंगे, 3-3 महीने के 5 सेट बनेंगे, क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं हम आगे, ठीक है। अब 5 सेट का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा 4 सेट का फॉर्मूला आपको पता है, 4 सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 4a + 6b + 4c + d। तो 5 सेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, 5a, 6 और 4 10b, 4 और 6 10c + 1 और 4 5d + e। ये सिखाया था मैंने आपको फॉर्मूला बनाना, अब नहीं बताऊंगा। 4 सेट का फॉर्मूला ये है, तो 4a में 5 सेट में, 5 सेट के फॉर्मूले में 5 आएंगे, फिर b को कॉपी करेंगे, 6 और 4 10, पिछले वाले को जोड़ते हुए कॉपी करेंगे, c को कॉपी करेंगे पिछले वाले को जोड़ते हुए, 4 और 6 10, d को कॉपी करेंगे पिछले वाले को जोड़ते हुए, 1 और 4 5, और एक और लेटर आ जाएगा ई, ये मैं सिखा चुका हूं आपको। तो 5 सेट का फॉर्मूला ये होता कि नहीं होता बताओ जरा, ट्री भी बना सकते हो, ट्री नहीं बनाना, ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं, 5a, एक मिनट है ना, प्लस 10b है ना, प्लस 10c प्लस 5d प्लस e है ना, ठीक है। चलो भैया तो मूलधन कितना दिया है, 8000 रुपए की राशि भैया मूलधन दिया है, 8000 रुपए की राशि है, तो 8000 पे 3-3% निकालते जाएंगे, ABCD का वैल्यू आता जाएगा, और अब रेट 3% है, 12 नहीं 3% है ना। चलिए 8000 का 3% निकालते हैं, तो 8000 का 3% बताओ 240 आएगा, फिर 240 का 3% है ना 7.2 आएगा, फिर 7.2 का 3% 2.16 की 0.216, 3% 0.216 आएगा शायद, हाँ 0.7 तो इसका 10% है, तो 0.216 आएगा, फिर इसका 3% निकालेंगे है ना, तो 63,648 है ना, 0.00648 कुछ आएगा इसका, इसका 3% निकालोगे ना, तो 48 और 6 648 648 बटे 100, 0.00648 आएगा, फिर इसका 3% निकालेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ई का। अब इतनी ज़रूरत नहीं है हमें, अब ध्यान रखना ABCD वाले केस में ऑप्शन ज़रूर देखना। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं इसमें, है ना, मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन हमें ध्यान रखना आप लोग, है ना, मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, मिश्रधन यानी कि हमें यहाँ का अमाउंट निकालना है, समझ आई बात, ये ABCDE चल रहा है आपका, ठीक है ना। अब देखो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे बनेगा, अमाउंट बनेगा जब आप मूल में जोड़ेंगे ब्याज, तो मूल कितना है 8000, 8000 में जोड़ेंगे आप ब्याज, तो देखते हैं ब्याज कितना है, है ना, तो देखते हैं ब्याज कितना बनता है, चक्रवृद्धि ब्याज जितना बनेगा यहां रख के जोड़ेंगे, फिर ऑप्शंस की ओर देखेंगे। अब ऑप्शंस क्या क्या है आपके, ऑप्शंस एक बार देख ले, है ना, क्या क्या ऑप्शन है उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, तो 9274.2 यहां ऑप्शन की बात करें, है ना, उसके बाद 9228.8 ठीक है, उसके बाद 9314.3 और उसके बाद 9338.8 है ना, ये 4 ऑप्शन है। अब देखते हैं ना, 8000 तो मूलधन है, यानी कि यहां ब्याज 1274 बन रहा है क्या, 8000 तो मूलधन है, तो भैया यहां ब्याज 1274, 1228,
1314 और 1338। देखते हैं हमारा ब्याज इन चारों में से किसके आसपास बनता है। यहां से ना 240 पांच बार 1200 आ जाएगा, ये प्लस 7.2 10 बार 72 आ जाएगा, ये 0.216 10 बार 2.16 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे रिजल्ट बनेंगे इन दोनों के। 0.00648 पांच बार, मतलब पैसों में आएगा, एक रुपया भी नहीं बन पाएगा इन दोनों से। समझ आ रही बात? तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब अरे 0.00648 को पांच बार करोगे तो दशमलव के बाद वाले अंक ही बनाएंगे ये। समझ आ रही बात? तो इनको यूज ना भी करो तो ऑप्शन से सिर्फ इस आधार पर हम वेरीफाई कर लेंगे। देखो जरा कितना बन रहा है ये, 1274.16 बन रहा है क्या? अब देखो जरा इतना ब्याज कहां बन रहा है, इसी में बन रहा है मेरे को तो लग रहा है। 1274.16 देखो ना, 8000 मूलधन है इसमें, 8000 मूलधन इसमें से निकाल लोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज यहां से 1274.2 है। तो 1274.2 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज देख रहे हो, 1274.16, तो 1274.16 के आसपास यही जाएगा 1274.2, क्योंकि ये दोनों तो दशमलव के बाद के अंक बनाएंगे, तो इनसे जो परिवर्तन आएगा जुड़ के वो दशमलव के बाद में आएगा। दशमलव के पहले तो 1274 फिक्स है ना, तो 1274 केवल ये ही बनाएगा और कोई भी नहीं बनाएगा। देखो 1228 तो आ नहीं पाएगा, 1314 भी नहीं आ पाएगा, 1338 भी नहीं आएगा, 1274 बताइए आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ABCDE वाले फॉर्मूले के फायदे क्या हैं कि बस ABC का वैल्यू निकालने से काम हो जाता है। अब एग्जाम में यदि आप बैठे हो तो D और E का वैल्यू निकालने की मेहनत हमें नहीं करना है, सिर्फ ABC निकाल लोगे, अनुमान अलग ही दिख रहा है कि भैया बहुत छोटे छोटे नंबर बनेंगे, ऑप्शन से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करा तो देखो ये वाला आंसर आया कि नहीं आया। मिश्र धन निकालना था तो 8000 में जोड़ दोगे 1274.16, तो बताइए 9274 पॉइंट ऐसा बन जाए कि नहीं बन जाएगा मिश्र धन। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी बात? पांच बार के रिजल्टेंट के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, और पांच बार के केस को रेशियो में भी लेना है बहुत बेकार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए द बेस्ट अप्रोच इज ABCD, ये बहुत रेयर केस है। पांच बार पांच सेट वाला केस CI में अभी तक आपने देखा ही नहीं होगा और आया भी नहीं होगा, बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। मतलब आपको चार बार की केसेस पे फोकस करना है, लेकिन पांच बार का भी फॉर्मूला हमारे पास है, उससे हमें हेल्प मिली जिससे हमारा सवाल छोटा हुआ। बस तीन स्टेप में देखो, तीन नंबर में सवाल हमारा वेरीफाई हो गया सीधे, यदि नॉलेज है आपके पास, डेप्थ है नॉलेज की। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर चार पर आता हूं मैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं, ठीक है। सवाल नंबर चार देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फोर पर आ रहा हूं मैं ना, सवाल नंबर चार क्या है। सवाल नंबर चार, 4000 रुपए ब्याज मासिक संयोजित होने पर 24% प्रतिवर्ष की दर से 3 माह का कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। मैंने बोला ना तीन चीजें चाहिए, टाइम चाहिए, राइट चाहिए, तिमाही चारमाही वो चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए मासिक संयोजित, मासिक यानी कि एक माह का संयोजन है, अभी तक तिमाही चारमाही छमाही था, इसमें एक माह बोला मंथली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड 3 मंथली नहीं बोला, कंपाउंडेड 6 मंथली नहीं बोला, कंपाउंडेड 4 मंथली नहीं बोला, कंपाउंडेड मंथली, यानी कि एक एक माह का एक एक साइकिल बनेगा। मासिक संयोजित, त्रैमासिक है ना, त्रैमासिक नहीं बोला, चार माही नहीं बोला, छह माही नहीं बोला, क्या बोला, सिर्फ मासिक, मासिक यानी कि एक मासिक, एक माह, एक माह, समझ में आ रही बात, यानी कि एक महीने का एक सेट बनेगा। टोटल टाइम कितना, 3 महीने का टोटल ब्याज निकालना है, यानी कि समय टोटल इस केस का 3 माह दिया है। रेट क्या है भैया, 24% पर एनम, 24% वार्षिक दर है, ये वर्ष वार्षिक दर है 24%, समझ आई बात। चलिए निकाल लेते हैं, तो भैया टोटल टाइम है 3 महीना, 3 महीने का टोटल टाइम है और मासिक संयोजित है, यानी कि एक महीने का एक सेट बनेगा, एक माह का एक सेट बनेगा। क्लियर? 24% वार्षिक यानी कि 12 महीने का 24% है, यदि 12 माह का 24% है तो एक माह का कितना, हमें तो एक माह की जरूरत है, तो बताइए एक माह का 2% आएगा कि नहीं आएगा, तो 2% 2% और 2%। क्लियर? अब इसमें क्या बोला है, 4000 रुपए मूलधन दिया है भैया, 4000 रुपए, 4000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 3 सेट का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है 3A+3B+C, है ना। तो 4000 का 2% निकालोगे तो A का वैल्यू 80 आ जाएगा, फिर 80 का 2% निकालोगे तो B का वैल्यू 1.6 आ जाएगा, है ना, फिर
1.6 का 2% निकालोगे, है ना, तो 0.032 आ जाएगा। क्लियर, चलो जोड़ लो, 80 तीन बार 240 प्लस 1.6 तीन बार 4.8 प्लस 0.032, इसको जोड़ोगे तो 244.832 ये आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखो जरा ऑप्शन, ये ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, रिजल्टेंट से कर लेना आप, 2% तीन बार का रिजल्टेंट कितना आएगा, 6.1208% आएगा। तो सीधे 4000 का 6.1208% निकाल लेना, जब 4000 का सीधे 2% तीन बार का रिजल्टेंट जैसे निकालोगे सीधे इसको हल करने पे यही आएगा। या फिर रेशियो 2% 1/50 होता है, तो 1/50 तो 50 से 51, 50 का क्यूब 51, 51 का क्यूब नहीं निकालेंगे हम, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, तो एबीसी चला लो या फिर ये कर लो, एबीसी ज़्यादा बेहतर है। इसमें गुणा करने में आपको तकलीफ आएगी, यहाँ कोई गुणा नहीं करना, छोटा छोटा कैलकुलेशन या बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में बैठे बैठे आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ये टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, छोटे छोटे में आपका काम हो जाएगा, है ना। सवाल नंबर 5 पे आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 के, ठीक है, एक मिनट थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूं मैं इसकी। चलिए सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं, देखते हैं ना सवाल नंबर 5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 मिटाता हूं इसको, है ना, वैसे टाइम कितना हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 5 पर आता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना। सवाल नंबर 5 क्या है भैया, अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 12% प्रतिवर्ष की दर से प्रभावी दर क्या होगा। देखो ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, 12% वार्षिक दर, 12% वार्षिक यानी कि 12% वार्षिक यानी कि 12 माह का 12% दर दी है, 12% वार्षिक, 12% वार्षिक यानी कि 12 महीने का 12% है भैया। तो सीधी सी बात है, 12 माह का है 12%, यदि इसको 6 माही आधार पर लगाएं तो प्रभावी दर क्या बनेगा, 12% वार्षिक दर यानी कि एक साल का 12 माह का 12%, लेकिन इसको यदि 6 माही के आधार पर चलाओगे तो बीच में से काटोगे, जब बीच में से काट के दो टुकड़े करोगे 6 माही आधार पर चलाओगे तो 12% की लेंथ भी तो दो टुकड़ों में बटेगी 6-6%, तो भैया इसका प्रभावी दर बताना है। तो भैया दो साइकिल का रिजल्टेंट निकालना आता है आपको, क्या फॉर्मूला आता है, 2R.R², तो R का वैल्यू 6×6 = 12, R² 6 का² 36, तो 12.36%, 6% 6% RR%, तो दो सेट का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, 6×2 = 12, 6² = 36, 12.36% आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है इतनी बात, तो प्रभावी दर, तो 12% वार्षिक दर को यदि 6 माह आधार पे चलाओगे बीच में से काट के तो 6% बन के उसका प्रभावी दर कितना बनेगा, 6% का दो सेट का रिजल्टेंट 12.36%, क्लियर। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 6 पर, है ना, आ जाते हैं सवाल नंबर 6 पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चलिए देखते हैं, है ना, मिटा दो इसको, चलिए मिटा रहा हूँ इसको, है ना। सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं हम, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, है ना। क्या है सवाल नंबर 6, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, थोड़ी सी इंक इंटेक कर लूँ क्या इसमें, 2 सेकंड रुकना है ना, पढ़ लो एक बार इतने आप, सवाल नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो एक बार। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 20% की वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हुए दोनों तरह के ब्याज का अंतर। अच्छा ठीक है भैया, 20% वार्षिक दर है, समय है 9 माह, अब सुनना, वही टाइम वही रेट, है ना, समय है 9 माह
और वार्षिक दर है 20%, मतलब एनुअल है ना, 20% वार्षिक दर है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें दी हैं, एक है भैया वार्षिक और एक त्रैमासिक, एक वार्षिक और एक त्रैमासिक यानी कि तिमाही, ये दो कहानियां इसमें, एक ये और एक ये। एक वार्षिक, वार्षिक यानी कि 12 माह के हिसाब से, और एक तिमाही, मतलब ये 9 माह को एक बार हमें वार्षिक चलाना है और एक बार इसी 9 महीने को हमें कैसे चलाना है, तिमाही। अब देखो, मतलब दो बार चलाओगे इस टाइम को, एक बार तिमाही के आधार पर चलाना है, इसी टाइम को एक बार वार्षिक के आधार पर चलाना है। तो चलो चला लेते हैं उसी राशि पे, उसी राशि को एक बार हमें तिमाही के आधार पे चलाना है। 9 माह समय आप जानते हो ना, समय कितना है आपका, 9 माह का समय है ना, 9 months, क्लियर। 9 माह का समय है, उसी राशि को एक बार वार्षिक चलाएंगे और एक बार तिमाही चलाएंगे। तो जब इस 9 महीने को तिमाही चलाएंगे तो भैया 3 सेट बन जाएंगे आपके, 3 माह 3 माह और 3 माह, बोलो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना, बनेंगे 3 सेट, 3 माह 3 माह 3 माह, क्लियर। जब इस 9 महीने को आप त्रैमासिक चलाएंगे तो 3 महीने के 3 सेट बनेंगे, लेकिन जब इस 9 महीने को वार्षिक चलाएंगे तो 9 महीने को वार्षिक चलाने का मतलब है, वार्षिक यानी कि भैया 12 माही, त्रैमासिक तिमाही, तो वार्षिक यानी कि वार्षिक दर, वार्षिक संयोजित होने का मतलब 12 माही, समझ आई बात। तो तिमाही तो चला दिया, अब 9 महीने को जब 12 माही चलाओगे तो सिर्फ 9 महीने का एक ही सेट बन के रह जाएगा, समझ रहे हैं आप बात को। जब आप 9 महीने को 12 माही के हिसाब से चलाओगे तो भैया 9 महीने का एक ही सेट बन के रह जाएगा, सीधी सी बात है। वैसे तो हमारा उद्देश्य है कि 12 माही का मतलब 12 महीने का एक साइकिल बनना चाहिए, लेकिन समय ही 9 माह है तो बस वो 9 महीने का ही एक सेट बन के रह जाएगा, समझ आई बात। जैसे कल मैंने एक चीज बताई थी आपको, जैसे भैया 1 सही 1/4 वर्ष है, 1 सही 1/4 वर्ष यानी कि आप देखेंगे ये हो गया आपका 15 माह, है ना। जब इसको हम त्रैमासिक चलाते हैं, 6 माही चलाते हैं जब इसको हम, 1 सही 1/4 वर्ष यानी कि जब हम 15 माह के अंतराल को 6 माही चलाते हैं तो 6 महीने के 2 सेट बन जाते हैं, ध्यान देना आराम से ना। जब 15 माह को हम 6 माही चलाते, 6 महीने के 2 सेट बन जाते हैं, 6 6 12, तो 15 महीना में से 12 महीना गया तो तीसरा सेट 3 महीने का ही बन के रह जाएगा, मजबूरी है ना, समझ रहे हो बात को। 15 माह को जब 6 माही आधार पर चलाएंगे तो 6 6 महीने के 2 सेट बनेंगे, 6 6 12 महीने हो गए, अब 15 में से 12 गया, 3 ही महीना बचा ना, तो लास्ट सेट 3 महीने का बन जाना मजबूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो जरा। लास्ट सेट हमारा 3 महीने का बन जाना, बताइए हमारी मजबूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हो क्या। तो लास्ट सेट 3 महीने का बन जाना मजबूरी हो जाएगी। वैसे यहाँ पर जब 12 माही चलाना है, वार्षिक चलाना है, तो 12 माही चलाओगे 9 माह को तो 9 महीने का 1 ही सेट बन के रह जाए, क्योंकि 12 महीने से कम है, समझ गए बात को, क्लियर है ना। धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, अभी तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सुनो कहानी, है ना। अब दर की बात करूं तो भैया 20% वार्षिक दर है, यानी कि 12 महीने का 20% है, ध्यान देना है ना, 20% वार्षिक दर है यानी कि 12 महीने का 20% दर बताया उन्होंने ना। अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना इस सवाल को, सेकंड्स में कैसे करेंगे। ये सवाल में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है। सीआई में कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा टफ होती है, उसमें से एक सवाल ये भी है, बहुत टफ कंसिडर किया जाता है। बट इस क्वेश्चन को देखिए, रिजल्टेंट मेथड, 2-3 मेथड से कैसे हम इजी करेंगे, सेकंड्स में कैसे करेंगे, समझ आई बात। मैं सिखा रहा हूं इसलिए इतना लंबा हो रहा है, नहीं तो यदि मैं खुद एग्जाम में कर रहा होता, डिजाइन थोड़ी ना बता, मैं 2 लाइन में रिजल्टेंट निकाला, 3री लाइन में आंसर निकाल देता मैं, समझ आ रही बात। तो मैं सिखा रहा हूं इसलिए डिजाइन बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तिमाही और 1/12 माही, वार्षिक और तिमाही, ठीक है। तो चलो भैया, 12 महीने का 20% दर है ना, ध्यान देना, 12 माह का दर कितना है, 20%, इधर कर दूं क्या, है ना। यदि 12 माह का 20% है तो भैया 3 महीने का आप ही बताइए, 5% हो जाएगा क्या, 1/4, कॉमन सेंस। 12 महीने का 20 है तो 3 महीने का 1/4 बताइए, 5% होगा कि नहीं होगा। 12 महीने का 20% है तो 6 महीने का 10, 6 महीने का 10 तो 3 महीने का 5 है ना। तो बताइए 3 महीने का 5% होगा कि नहीं होगा, बोलो, समझे कि नहीं समझे बात को। 3 महीने का क्या हो जाएगा, 5%,
तीन महीने का क्या हो जाएगा 5%, तीन महीने का क्या हो जाएगा 5%। ये 9 माह का एक ही सेट बन रहा है ना, ध्यान देना है ना, ये 9 माह का सिर्फ एक ही सेट बन रहा है ना। समय था हमारा 9 माह और यहाँ 9 माह का सिर्फ एक ही सेट बन रहा है, क्लियर। चलो भैया अब यदि मैं बात करूँ 3 महीने का 5%, तो यहाँ तो 9 महीने का दर चाहिए हमें। यदि 3 महीने का 5% है तो 9 महीने का बताइए 15%। इस 9 माह को थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ, दिख रहा है ना, ये 9 माह का समय अंतराल था। इस 9 माह को एक बार तिमाही चलाना, एक बार 12 माही, 12 माही चलाओगे तो 9 माह का एक ही सेट बन जाएगा। दिख रहा है ऊपर तक इतना, सभी को कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? हाँ ठीक है। चलो अब देखो भैया क्या है, 12 महीने का 20%, 3 महीने का कितना है 5 है ना, तो 3 महीने का कितना है 5, 3 महीने कितना है 5, 3 महीने का कितना है 5, क्लियर। अब 3 महीने का 5 है तो 9 महीने का अलग ही दिख रहा 15, 5, 5, 5। अरे 3 महीने का 5 है तो 9 महीने का 3, 3, 3, 9 महीने का 15 है ना। यहाँ से देखो, 3 महीने का 5 है तो 9 महीने का कितना, इसको 3 गुना कर ले, इंटू 3 करेंगे तो बताइए 9 महीने का 3 या 9 महीने का 5 या 15% बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपका बन जाएगा 9 महीने का कितना बनेगा 15%, है ना। तो 9 महीने का बन जाएगा आपका 15%। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, बताइए 15% बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर। ठीक है अब देखो हम क्या करेंगे, इस रास्ते से बनने वाला ब्याज और इस रास्ते से बनने वाले ब्याज का अंतर दिया है हमें 18.3 रुपये। क्या बोला उसने देखो, पढ़ो जरा, फिर से पढ़ता हूँ सवाल, आराम से शांति से टाइम लगेगा। 20% की वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित हुए हैं, वार्षिक और त्रैमासिक के आधार पर संयोजित हुए हैं, वार्षिक और त्रैमासिक के आधार पर संयोजित हुए दोनों तरह के ब्याज का अंतर 18.3 रुपये दिया, 18.30 रुपये दिया है। तो दोनों तरफ से बनने वाले ब्याज का अंतर 18.30 रुपये, 18.30 रुपये दिया है, 18.30 दिया है, क्लियर। अब देखो यदि मैं बात करूं तो इधर से ओवरऑल ब्याज 15% ही बनेगा, इधर से ब्याज कितना बनेगा 15%। इसका एक और तरीका वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। अब देखो इधर से टोटल ब्याज बताइए 15% बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर से टोटल ब्याज 15.7625% बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जरा, बोलो बनेगा क्या। इधर से टोटल ब्याज 15% बनेगा, इधर से टोटल ब्याज 15.7625% बनेगा। देखो इसका रिजल्टेंट तो 15 तो 15 ही होगा एक ही बार में, 15% तो 15 ही, इधर का ओवरऑल ब्याज 15% बनेगा, इधर का ओवरऑल ब्याज 5, 5, 5% तीन बार का रिजल्टेंट निकाल लो तो 5, 5, 5% तीन बार का 15.7625 आएगा। तीन बार का रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है ना आपको, 3R² और R³। समझे, तो R बराबर 5 तो 5 * 3 = 15, है ना। 5³ = 125, तो 125 का 25 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 25 * 3 = 75। देखो 15.7625% आ रहा है रिजल्टेंट, आ रहा कि नहीं, रिजल्टेंट में आपकी स्पीड होनी चाहिए, और 5% तीन बार का तो रट ही लेना, करते करते रट जाएगा। ठीक है चलो, अब इन दोनों ओर से बनने वाला जो डिफरेंस है, तो दोनों ओर से बनने वाला डिफरेंस बताओ 0.7625% हुआ कि नहीं हुआ। ये 0.7625% का वैल्यू आपको दिया है 18.3 रुपये। ये जो डिफरेंस है ना दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का जो डिफरेंस है 0.7625%, ये दिया। इसका एक और मेथड बताऊंगा, मैं यदि होता इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं ले जाता, मैं यदि होता इस क्वेश्चन को तो ओरली कर देता, ओरली वाला मेथड मैं आपको बताता हूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनना मेरी बात, है ना। ठीक है तो 18.3 रुपये, तो 0.7625% बराबर 18.3, तो 100% बराबर कितना मूल राशि आ जाएगी। जब भी रिजल्टेंट की बात करते हैं तो मूलधन हमेशा अपने आप में क्या होता है 100%, क्लियर। तो 0.7625% बराबर 18.3, तो 100% बराबर कितना, क्योंकि प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा आपका 100%, तो 100% बराबर कितना, ये आ जाएगा आपका मूलधन, है ना। तो 0.7625% 18.3, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे, तो 1% 18.3 बाय 0.7625 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 1% का वैल्यू 18.3 बाय 0.7625 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। ये बराबर इतना, तो 1% का इतना, 1% 100 बराबर कितना, तो 100% निकालने के लिए इंटू 100 कर ले दोनों, तो ये 100% का वैल्यू देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ से पॉइंट हटेगा
तो नीचे क्या लगेगा 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 4 जीरो लगेंगे, तो 1, 2, 3 और 4, ये 4 जीरो है ना, ये 0 से 0 कैंसिल आपका, ठीक है। और काट लेते हैं भैया 25 से, 25 से ये इसको काटोगे 1 लाख को तो 4000 बढ़ जाएगा, 25 से इसको काटोगे 25 से कम 25 जीरो, 25 पंजे 125 है ना, 105, ठीक है। फिर इसके बाद किससे कट रहा है ये, पच्चीस तिया 75 ना, 25 तिया 75, 1, 2 काम नहीं चलेगा, 0, 25 पंजे 125 करेक्ट, ठीक है ना। अब और काट सकते हैं इसको, 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 से 61 बार जा रहा है, ये 5 से कितनी बार जा रहा है 800 बार है ना। फिर ये 61 से देखो 3 बार जा रहा है ना, 61 से 3 बार, तो 3 × 800 2400 रुपये आएगा मूलधन इसका, 2400, तो कितना आंसर आएगा इसका 2400, 2400। तो ये बराबर इतना, तो ये बराबर कितना 2400 रुपये, ये कैलकुलेशन कर लोगे ना आप, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं यदि करता तो कैसे करता ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ठीक है। 2400 के 24000, 25 × 100 4000, 800 है ना, 2400 आएगा कि 24000 आएगा ये, हाँ 2400 ही आएगा है ना, करेक्ट, ठीक है, क्लियर इतनी बात आप लोगों को, ठीक है। त्रैमासिक और नौमासिक, धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी, सवाल को रिपीट कर करके देखोगे तो। अब मैं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करता पता है, आप जानते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज है ना, क्या मैं इसको 5% के 3 टुकड़े अज्यूम कर सकता हूँ। पुराना तरीका तो ठीक है, रिपीट करके देख लेना, अब नया तरीका देखो जो मैं बता रहा हूँ, क्या इसको हम 3-3 महीने के 3 टुकड़े कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि 15 है तो 3-3 महीने का 5-5% हो जाएगा क्या। अब एक चीज ध्यान देना आप, ये हो गया साधारण ब्याज, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और ये हो गया साधारण ब्याज 3 साइकिल वाला। क्यों साधारण ब्याज हो गया, क्योंकि देखो ना 5-5-5 का रिजल्टेंट 15 ही हो रहा है, क्योंकि आप देखो कहानी क्या है, 5-5-5 है ना, 5-5-5 का रिजल्टेंट 15.7625% होता है कि नहीं होता चक्रवृद्धि ब्याज में। यदि 5-5-5 का रिजल्टेंट 15% है, इट मीन्स ये साधारण ब्याज है। जब इन तीनों का रिजल्टेंट 15% हो, मतलब ये क्या है, साधारण ब्याज है। इन तीनों का रिजल्टेंट 15.7625 चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आप देखो इन तीनों का रिजल्टेंट 15 पॉइंट, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज था, समझ आई बात, क्लियर। तो इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल रिजल्टेंट 15% ही है ना, तो 15% को 3 टुकड़ों में बांटेंगे तो बताइए 5-5-5% होगा कि नहीं होगा, और 5+5+5 आप जानते हो 15 था, तो 5+5+5 15 हो रहा है, यानी कि इस कहानी को हम साधारण ब्याज के ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि तीनों जुड़ के, जहां जहां रेट जुड़ के रिजल्ट बन जाए वो साधारण ब्याज होता है। भैया हर साल 10% ब्याज लग रहा है तो 2 साल का 20% साधारण, लेकिन यदि चक्रवृद्धि ब्याज होता तो 10% 2 बार का रिजल्टेंट 21 बनेगा, समझ आई बात। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि नीचे वाला तो चक्रवृद्धि ब्याज है 3 साइकिल का 5-5-5%, ऊपर वाला 5-5-5 15% साधारण ब्याज है, समझ आई बात। तो ऊपर वाले को हम साधारण ब्याज की तरह ले सकते हैं, समझ आई बात। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन हो गया, आप देखो ये क्वेश्चन मैंने टाइप 3 में आपको पढ़ाया था, टाइप 3 का सबसे पहला सवाल। अब देखो ये 3 सेट का साधारण ब्याज है, 3 सेट का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो एक प्रकार से 3 सेट का साधारण ब्याज 3 साइकिल का, एक प्रकार से 3 साल वाला केस हो गया। 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको 18.3 रुपये दिया है, एक प्रकार से ये 3 साल वाला केस हो गया। मैं 3 सेट लिख देता हूँ, टाइम 3 सेट या 3 साइकिल या 3 साल, टाइम कितना है इसका 3 साइकिल, रेट कितना है 5%, डिफरेंस दिया है आपको डी, डी दिया 18.3 रुपये, डी मतलब सी आई माइनस एस आई, इधर से चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा और इधर से साधारण ब्याज बनेगा, दोनों का अंतर दिया 18.3 रुपये, और आपको क्या निकालना है मूलधन, याद है सवाल डी और पी वाले, 3 साइकिल यानी कि 3 सेट, एक प्रकार से रेट 5% है, 5% है ना, 18.3। तो इस सवाल को यदि आप इस प्रकार से इमेजिन कर लिए तो ये सवाल आप सेकंड्स में हल हो जाएगा, आप तो भूल भी गए होंगे शायद, आपको याद भी नहीं होगा कुछ, मैं बता दूं आपको है ना, टाइम 3 साइकिल, रेट 5% है, डिफरेंस 18.3 रुपये, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को है ना, देखो कहानी ऐसी है कि है ना 5% क्या होता है 1/20 है ना,
5% होता है 1/20, क्लियर, ठीक है। अब हम बात करें डी और पी की, तो आपको बनाना आता है डी और पी, 3 साल का डी और 3 साल का पी। पी तो कैसे बनेगा, 20 के क्यूब से बनेगा, यानी कि 8000 यूनिट बन जाएगा पी। और डी की बात करें, डी कैसे बनेगा, नीचे में 3 का गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दो, नीचे में 3 का गुणा करके ऊपर वाला जोड़ दो, 61 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा डी, बोलो जरा, याद है सवाल आपको, ये 61 यूनिट डी किसके बराबर है, 18.3 रुपये। आप देखो ठीक गुणा 3 का रिलेशन है, अरे 61 × 3 183 हो जाएगा, लेकिन दशमलव लगाया, यानी कि 3/10 का रिलेशन है, तो 8000 × 3/10 जब हम करेंगे तो 2400 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। इस सवाल को आप इस प्रकार से भी ट्रीट कर, देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, कितना इजी हुआ बताइए, ओरली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ आई बात। तो इसको ऐसे, ये बहुत ज़्यादा गहराई में चला गया मैं, CI का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ये मेथड दिमाग में आती है, समझ आ रही बात। अब कई बार मन में सवाल ये भी उठते हैं कि सर किस सवाल में ये लगेगा, किस सवाल में नहीं लगेगा, तो जब ऐसा सवाल होगा तो ऐसा लगेगा, जब ऐसा सवाल होगा ही नहीं तो ऐसा नहीं लगेगा। प्रैक्टिस करते करते सब पता चलता है। जब कोई व्यक्ति माता का नाम पूछ रहा, माता का नाम बताएंगे, पिता का नाम पूछ रहा, पिता का नाम बताएंगे, बस उतनी ही सरल चीज़ें हैं ये भी, कि जब ऐसा सवाल होगा तो पता चलेगा हमें ऐसा करना, ऐसा करेंगे, जब ऐसा सवाल नहीं होगा तो ऐसा कैसे हो जाएगा, समझ आ रही बात। तो ये कॉमन सेंस धीमे धीमे प्रैक्टिस करते करते आएगा, क्वेश्चन की समझ, क्वेश्चन का सिचुएशन समझ के, क्लियर। तो रिजल्टेंट मेथड बताया मैंने और ये आपको डायरेक्ट अप्रोच बताया, समझ आई बात। रिपीट कर करके देखना, अगले सवाल पे आ रहा हूँ। एक एक सवाल करोड़ों का है, ध्यान रखना आप, है ना, एक एक सवाल की कीमत यहाँ करोड़ों में है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब अगले सवाल पे आ रहा हूँ मैं, सवाल नंबर 7 पर है ना, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन करो आप लोग, है ना, मैं करवा दूंगा फिर वो, जो भी डाउट्स होंगे आपके, मेरे को पता है कौन कौन से क्वेश्चन में आपके डाउट्स है, सब करवा दूंगा मैं, है ना। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाता हूं ना, अच्छा सवाल है 7वां सवाल, ठीक है, आ जाते हैं सवाल नंबर 7 पर। चलो देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाता हूँ। एक राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया, ठीक है भैया, यदि ब्याज प्रति वर्ष 6 माही संयोजित हो, ये अलग नॉर्मल सा सवाल है एक, कि भैया किसी राशि को 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ध्यान देना है ना, 2 वर्ष यानी कि 12 माह 12 माह, 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया, 20% वार्षिक दर यानी कि 12 महीने का दर है 20%। किसी राशि को 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज पर, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर भैया, CI पर उधार दिया है ना, 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से उधार दिया, क्लियर। अब आगे क्या बोला, यदि राशि 482 रुपये अधिक लाभ देती है, हाँ ये लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, ठीक है, यदि की जगह यहाँ आएगा, यह राशि 482 रुपये अधिक लाभ देती है यदि ब्याज प्रति 6 माह संयोजित हो, भैया इसी राशि पर जो राशि आपने उधार दी, इसी राशि को यदि 6 माह आधार पर चला दिया होता, मतलब इसी 2 साल को, लालच, इंसान का लालच, अच्छा 12 माह, सारी दुनिया वार्षिक वार्षिक चलती है तो फिर 6 माह लाया क्यों गया, लालच, उसी रास्ते को यदि 12 माह की जगह वार्षिक की संयोजित की जगह 6 माह संयोजित करते ब्याज बनता है ज़्यादा, ये लालच, इसी लालच पर बेस्ड है सवाल, कि भैया एक व्यक्ति ने 2 साल के लिए उधार दिया 20% पर, यदि यही राशि 6 माह आधार पर दिया होता तो 482 रुपये ज़्यादा ब्याज मिल जाते ऊपर की तुलना में नीचे, इसी को 6 माह आधार पर दोगे तो बताओ इन 2 सालों में 4 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बोलो ज़रा, बनेंगे 4 सेट, और रेट बताइए 10-10% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो ज़रा, हो जाएगा, 6 माह 6 माह 4 सेट बनेंगे, रेट 10-10% होगा कि नहीं होगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ की तुलना में यहाँ का ब्याज भैया 482 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ का ब्याज 20-20 टोटल 44% बनेगा, यहाँ का ब्याज 10-10-10 4 बार का रिजल्टेंट बताया था 46.41%,
बनेगा कि नहीं बनेगा। 20-20 का रिजल्टेंट 44% फॉर्मूला से निकालेंगे, दो सेट का फॉर्मूला 2R.R² उससे निकालेंगे, और ये चार बार का भी निकाल के बताया था। तो देखो यहाँ ब्याज बनेगा 44%, 46.41%। तो देखो यहाँ की तुलना में यहाँ का ब्याज 2.41% एक्स्ट्रा है कि नहीं है। तो यहाँ से जो यहाँ की यहाँ अधिकता है वो 2.41% है, जो कि किसके बराबर दिए 482 रुपये। यदि 2. यहाँ की तुलना में यहाँ देखो 2.41% एक्स्ट्रा बन रहा है ब्याज, तो यहाँ से ये भी सिद्ध होता है कि उसी कहानी को वार्षिक की तुलना में 6 माही चलाते हो तो देखो ब्याज का परिणाम ज़्यादा निकलता कि निकलता वार्षिक की तुलना में 6 माही में। कितना एक्स्ट्रा निकल रहा है? 2.41% एक्स्ट्रा निकल रहा है। जो 2.41% एक्स्ट्रा निकल रहा है वो किसके बराबर है? 482 रुपये। तो मूलधन हमेशा, जब भी रिजल्टेंट की भाषा में बात करेंगे तो मूलधन हमेशा 100%। तो 2.41% इतना है तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका मूलधन। अब सवाल है ये कैसे बना, ये तो मैंने बताया था अभी आपको, ये कैसे बना 2R.R² के फॉर्मूले से बता देता हूं मैं आपको भी, है ना। 2R.R² क्लियर। अब देखिए यहां पर तो आर कितना है? 20। तो 20 × 2 = 40 और 20 का स्क्वायर 400 का केवल 0 0 आएगा, 4 कैरी हो जाएगा पीछे, तो 40 + 4 44.00। तो बताइए 44.00 कोई मतलब नहीं होता, 44% आएगा रिजल्टेंट और इसका 46.41। क्लियर है ना आप लोगों को? ठीक है, देखो ऊपर की तुलना में नीचे में 2.41% एक्स्ट्रा ब्याज बन रहा है, ये 2.41% 482 के बराबर है, तो 100 बराबर कितना मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ से यदि आप ठीक से देखोगे, दशमलव भूल जाओ, यदि दशमलव भूल जाओ तो ठीक डबल का रिलेशन है, दशमलव भूल जाओ तो 241 का 482 दुगने का रिश्ता है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि दशमलव उड़ा है यानी कि 20 भी, यानी कि इंटू 200 का रिलेशन है, तो 100 × 200 कर लोगे 20,000 रुपये आएगा इसका मूलधन। कितना आएगा? 20,000 रुपये। या तो 1% का वैल्यू निकाल लो आप, 1% का वैल्यू 482 × 2.41 आएगा कि नहीं आएगा बोलो जरा। तो 1% यदि 482 × 2.41 है ना, ठीक है, 482 × 2.41 क्लियर, ठीक है। अब देखिए इससे इसको काटोगे ना तो 200 बार जाएगा फाइनली, दशमलव हटाना, 241 से दो बार दशमलव हटेगा, 200 1% 200 100% 220,000। बोलो समझे कि नहीं समझे? इस क्वेश्चन को रेशियो से भी कर सकते हैं, लेकिन रेशियो से थोड़ा सा दूसरे पाथ पर हम चले जाएंगे, ठीक है, इसलिए रेशियो से मैं इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहा हूं अभी, ठीक है, है ना, सिर्फ इसी रिजल्टेंट से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर, समझ आई बात? चलिए सवाल नंबर 8 पर आता हूं मैं, सवाल नंबर 8 देख लेते हैं, ठीक है। आ जाते हैं 8वें सवाल पर, ठीक है, मिटाता हूं इसको। क्या है सवाल नंबर 8? 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 244 रुपए है, यदि ब्याज दर 10% हो। देखो भैया सबसे पहली चीज, समय 1.5 साल है आपका, ब्याज दर 10% है, ठीक है, और CASI का अंतर डिफरेंस कितना है? 244 रुपए, है ना। डिफरेंस कितना? 244 रुपये, ठीक है। क्या निकालना आपको? मूलधन निकालना है। चलो भाई देखो, है ना, किस चीज का डिफरेंस है 244 रुपये पहले ये आपको देखना पड़ेगा। देखो क्या है कहानी, इसमें बोला है, इसमें बोला है, ठीक है, यदि दर 10% वार्षिक और मूलधन को अर्धवार्षिक संयोजित किया जाए तो मूलधन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है भैया ये, ठीक है ना, एक मिनट, है ना, फाइंड द सम इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ऑल्सो फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ एसेंट से 10% फॉर 1.5 ईयर इज ₹244, ओके, ठीक है, फाइंड द सम इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ऑल्सो फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। देखो भैया एक बार इसी 1.5 साल को एक बार साधारण ब्याज के रास्ते चलाएंगे,
डेढ़ साल यानी कि 18 महीना, एक बार 6 माही साधारण ब्याज के रास्ते चलाएंगे, एक बार 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज के रास्ते चलाएंगे। समझ आई बात? एक बार साधारण ब्याज, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, वही राशि। समझ में आ रही बात है ना? उसी 1.5 साल को 6 माही संयोजित है, तो एक बार साधारण ब्याज, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, 6 माही। 6 मंथ्स है ना, ये भी 6 माह और 6 माह। क्लियर? इतनी बात है ना। छ माह और 6 माह, क्लियर? ठीक है ना। 10% वार्षिक, 10% क्या है? वार्षिक है, क्लियर? अब देखो, यदि 12 महीने का 10% तो 6 महीने का बताइए 5% होगा क्या? और ऊपर भी 6 महीने का 5% होगा क्या? तो सीधी सी बात है, तो ऐसा सवाल हो गया ना कि टाइम एक प्रकार से 3 सेट हो गए, 3 सेट या 3 साइकिल या 3 साल वाला केस हो गया। रेट कितना हो गया भैया? 5%। बनने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमें दिया है ₹244। बनने वाले साधारण ब्याज और 3 साल का 3 साल एक प्रकार से 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ₹244। आपको मूलधन निकालना है, तो 5% 1/20 होता है। आपको डी और पी वाला गेम आता है ना, डी और पी। पी कैसे बनेगा? नीचे वाले के क्यूब से, है ना, ठीक है, यानी कि 8000 यूनिट। और डी कैसे बनेगा? नीचे में गुणा 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो, डी बनेगा आपका 61 यूनिट, है ना। नीचे में गुणा 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो, डी बनेगा 61 यूनिट और पी बनेगा 8000 यूनिट। क्लियर? ठीक है। अब ठीक है, तो डी बनेगा नीचे में गुणा 3 करके ऊपर वाला जोड़ दो 61 यूनिट 8000 यूनिट। ये 61 यूनिट डी किसके बराबर है? ₹244। तो 8000 बराबर कितना? देखो, इंटू 4 का रिलेशन है, 4 एकम 4, है ना, तो इंटू 4 करो, बताओ 32000 आएगा मूलधन, आएगा 32000। बोलो समझे कि नहीं समझे, ये सवाल कैसा है? क्लियर है? इसको रिजल्टेंट से भी कर सकते थे, 5 5 5, यहाँ का रिजल्ट 15। अरे भैया, साधारण ब्याज में तो 5 5 5 अभी सवाल किया था ना, पिछला वाला इसी के जैसा एक हमने 18.3 था, वहाँ पे 18.3 सेम सवाल था। 5 5 5 कितना आएगा? 15। और यहाँ 5 5 5 का रिजल्टेंट चक्रवृद्धि ब्याज में आपको निकालना आता है 15.7625%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.7625%, वो किसके बराबर दिया आपको? ₹244। तो यदि ये 244, तो 100% बराबर कितना निकाल लोगे क्या? बोलो, 32000 आ जाएगा। यदि 0.7625 244, तो 100 बराबर कितना निकाल लोगे? 32000 आ जाएगा, रिजल्टेंट से भी आ जाएगा। इससे मैं यदि होता, इस क्वेश्चन को ऐसे करता, ओरली करता मैं इसको, मैं दिमाग लड़ा लेता, 1.5 साल ही साधारण ब्याज है, 1.5 साल ही चक्रवृद्धि ब्याज है, और 6 माही है, तो 3 सेट बनेंगे 5 5 के, 3 सेट बनेंगे 5 5 के, 5 5% 3 साल CI, 5 5% 3 साल ऐसा है, दोनों से बनने वाले ब्याज का अंतर यानी कि 3 साल का डिफरेंस का वैल्यू दिया 244, मूलधन निकालना है। तो 5% 61 और 8000, 61 244 इंटू 4, तो 8000 इंटू 4 32000 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए बात को? क्लियर है ना। चलो अब मैं आ रहा हूँ सवाल नंबर 9 पर, ठीक है, आ जाते भैया सवाल नंबर 9 पर, देख लेते सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है ना। प्रैक्टिस शीट में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए, पूरी मेहनत करना उसमें, है ना, पूरा दम लगाकर अच्छे से, ठीक है। चलो अब मैं आ जाता हूं सवाल नंबर 9 पर, है ना, क्या कह रहा है देख लेते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कहानी है देख लेते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, चलो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं ना।
सवाल नंबर नौ, क्या है सवाल नंबर नौ? शांति से, आराम से, अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। ये जो जो सवाल करवा रहा हूँ ना, मैं ना जाने कितनी बार करवा चुका हूँ पिछले 9-10 साल से। एक एक चीज़ याद है मेरे को, आंसर तक याद है, सब याद है। इसलिए मैं क्वेश्चन देखते से डायरेक्ट मेथड लगा देता हूँ, समझ आ रही बात? आपको उस लेवल तक पहुँचने में थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, कंटिन्यूस रिविज़न, है ना, रिपीट कर करके देखना है। चलो सवाल नंबर नौ पर आ जाते हैं हम, है ना, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो किसी धनराशि 10% दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 28 रुपये है। देखो भैया, कहानी क्या है, कोई राशि है, कोई राशि है, उस राशि पर 2 साल, कितने साल, 2 साल, है ना, 2 साल, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और एक बार साधारण ब्याज। उसी राशि पर 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज, 12 माह, 2 साल, 12 माह, 12 माह और 12 माह, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना। 12 माह का दो साल का CI, 2 साल का SI, किस दर से भैया, 10% की दर से, 10% की दर से, है ना। बनने वाला जो अंतर है, यहाँ का जो अंतर है ना, डिफरेंस जो है, यहाँ का जो बनने वाला डिफरेंस है वो कितना दिया है, 28 रुपये। ध्यान देना क्या सवाल है, किसी एक ही राशि पर 2 साल का CI 10% से और 2 साल का SI 10% से, दोनों से बनने वाले ब्याज का अंतर 28 रुपये। अब उसने आगे क्या बोला, यदि वार्षिक ब्याज दर 6 माही हो, यदि इसी गेम को 6 माही आधार पर चला लें तो फिर अंतर क्या होगा। तो चलो इसी गेम को 6 माही आधार पर चलाते हैं। 6 माही आधार पर चलाओगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे इनके, 1, 2, 3 और 4 होंगे क्या, 4 टुकड़े, 2 टुकड़े यहाँ से होंगे 6-6 महीने के, 2 टुकड़े यहाँ से 6-6 महीने के, CI इसी गेम को, है ना, 1, 2, 3, 4, क्लियर, ये SI, क्लियर, ये 6-6 मंथ्स के सेट हो गए, कितने मंथ्स के सेट हो गए, ये 6-6 मंथ्स के, समझ आई बात, क्लियर, ये 6 मंथ्स के सेट हो गए, है ना। 12 महीने का 10% तो बताइए, 6 महीने का 5-5% बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए 6 महीने का 5-5% बनेगा कि नहीं बनेगा, क्लियर है क्या इतनी बात, है ना। यदि 12 महीने का 10-10% तो 6-6 महीने का 5-5% बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसी गेम को यदि अर्धवार्षिक आधार पर चलाओगे, 6 माही आधार पर रन करोगे इन्हीं 2 सालों को, तो फिर डिफरेंस कितना होगा, यहाँ का डिफरेंस हमें निकालना है। क्या बोला सवाल ने, अब इसको कितने शॉर्ट में और कितना इजीली हमें करना है, इसका इंपॉर्टेंस है कि भैया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज 2-2 साल का, उनका अंतर 28 रुपये है, यदि इसी गेम को अर्धवार्षिक आधार पर चलाओगे तो फिर डिफरेंस कितना होगा। अब सबसे पहले यह पता करना है, अच्छा 4 सेट का डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा, 6B प्लस 4C प्लस D होता है क्या, बताया था मैंने, 4 सेट का CI का फॉर्मूला 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D, 4 सेट का SI का फॉर्मूला 4A, दोनों का डिफरेंस, तो 4 सेट के डिफरेंस का फॉर्मूला 6B प्लस 4C प्लस D होता है, समझ आई बात। अब ABCD के वैल्यू, यदि BCD का वैल्यू निकाल लिया तो बस आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ रहे हो बात को। यदि आपने केवल BC और D का वैल्यू निकाल लिया तो बताइए आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ। और BCD की वैल्यू किसके अंदर से आएंगे, मूलधन का 5-5% निकालोगे तब ना आएंगे, मतलब हमें अब चाहिए कि मूलधन कितना है, उधार दी गई राशि कितनी है, वो एक ही राशि की बात हो रही है, चारों गोलों में एक ही राशि है वो जो उधार दी गई, उधार दी गई राशि पता करनी है। तब देखो यहाँ देखो आप, ये समय 2 साल था और रेट 10% था, डी दिया है, पी निकालना है, ये तो सबसे पहले सवाल थे हमारे CI के, याद आ रहा है आपको, टाइम 2 साल है, रेट 10% है, डी दिया है, डिफरेंस यानी कि डी डिफरेंस, CI माइनस SI का डिफरेंस 2 साल का 28 रुपये, मूलधन निकालना है। अच्छा डी और पी कैसे बनाते थे याद होगा आपको, 10% 1/10 होता है, ऊपर वाले के स्क्वायर से डी बनता है, नीचे वाले के स्क्वायर से पी बनता है, 1 यूनिट ये 100 यूनिट, 1 यूनिट बराबर यदि 28 रुपये है तो 100 यूनिट बराबर बताइए 2800 रुपये इस कहानी का मूलधन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर।
अरे ये तो ओरली आना चाहिए 2800। तो चलो भैया प्रिंसिपल कितना है आपका 2800, आ गया प्रिंसिपल 2800। बस अब खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं बचा। अब इसके ऊपर 5-5% चलाएंगे तो ABCD का वैल्यू आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ऐसे ही करते हैं ना, रेट 10% 1/10, क्लियर है ना। तो डी और पी, डी दिया पी निकालना, डी और पी ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, दो साल में सबसे टाइप फर्स्ट है ना। तो 1 यूनिट = 28, तो 100 यूनिट = 100 × 28, बताइए 2800 रुपये मूलधन आएगा। चलो तो 2800 क्यों, अब ध्यान रखना इस दुनिया में रेट 5% चलेगा, 4 सेट की दुनिया है वो, 2 साल 2 साइकिल की दुनिया है, 4 साइकिल की दुनिया है, समझ आ रही बात। तो चलिए पहली बार 5% लगाओगे तो पहली बार जब आएगा वो ए का वैल्यू होगा, इसका 5% होगा वैसे 140, ये ए का वैल्यू है। फिर 5% निकालोगे तब जाके बी का वैल्यू आएगा, इसका 5% आएगा 7 रुपये, ये बी का वैल्यू है। फिर 7 रुपये का 5% निकालोगे तो 0.35 आएगा, ये सी का वैल्यू है। फिर इसका 5% निकालोगे तो फिर किसका वैल्यू आएगा, डी का। इसकी ज़रूरत नहीं हमें, इतने में काम हो जाएगा, बहुत छोटा आएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, 6×7=42 रुपये, प्लस ये कितना हो गया 1.4, प्लस ये हमें पता नहीं। चलो अब देखो ज़रा 43.4 आ रहा है, ऑप्शन देखो ज़रा, 43.4 में थोड़ा सा और जुड़ जाएगा दशमलव के बाद, है ना। क्या ऑप्शन है इसके देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं, अलग ही दिख रहा है, सी वाला आएगा। देखो एक ऑप्शन है 44, दूसरा ऑप्शन है 28.35, तीसरा ऑप्शन है 43.41 और चौथा ऑप्शन है 43.29। अब सीधी सी बात है ये तो हो नहीं सकता, है ना, ये भी नहीं हो सकता। देखो अब ये 43 दोनों में, लेकिन 43.4 है तो 43.4 यहीं से आएगा, यहां से तो आ नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो 43.29 है, अब 2 से तो ज्यादा ऑलरेडी है, तो जुड़ने के बाद तो ज्यादा ही होगा, यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए इसका आंसर 43.41 अप्रोक्सीमेट आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है, समझ में आया सवाल अच्छे से। 10वें सवाल पे आ रहा हूं, यदि मैं होता एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को कैसे किया होता, ये 2800 तो मैं ओरली निकाल लेता एग्जाम में, यदि मैं बैठा होता मैं इस सवाल को कैसे करता, इतना पढ़ के 2800 तो मैं ओरली निकाल लेता, है सच है, प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा होगा आपके साथ। 2800 प्रिंसिपल है, अब मेरे को डिफरेंस निकालना है 4 सेट का, मेरे को पढ़ के समझ में आ जाएगा, मैं सीधे इसके ऊपर लगाऊंगा 6B + 4C + D। बस पहला स्टेप, पहला जो संख्या लिखूंगा इस सवाल को हल करने के लिए, जो मैं पहली चीज जो लिखूंगा वो ये लिखूंगा सीधे ओरली 2800 रुपये, और दूसरी चीज ये लिखूंगा, और सीधे 5% लगा लगा के BCD का वैल्यू निकाल के, बस इतने से मैं उत्तर निकाल के दूंगा मैं ये वाला, समझ आई बात, ये चीज है ना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 10 पे आते हैं, आखिरी सवाल इस टाइप का हमारा। प्रैक्टिस शीट के सवाल आप खुद से करेंगे, मेरे को पता है 2-3-4 सवाल ऐसे हैं जहां आपको दिक्कत आएगी प्रैक्टिस शीट में, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है ना। चलिए मिटा दो इसको, मिटा देता हूं इसको, है ना, रफ कर दे रहा हूं इसको, ठीक है। सवाल नंबर 10 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पर, है ना। सवाल नंबर 10 देखो क्या है, 10वां सवाल, एक व्यक्ति ने 5000 रुपये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1 सही 1/4 वर्ष के लिए उधार दिए वार्षिक तथा, ठीक है। देखो टाइम रेट, टाइम है 1 सही 1/4 वर्ष, है ना, रेट है 8% वार्षिक, प्रतिशत वार्षिक 8% वार्षिक ये रेट है, इसको एक बार चलाना है वार्षिक और एक बार छमाही, एक बार इसको चलाना है हमें वार्षिक और एक बार चलाना है इसको छमाही, ये दो रास्तों से चलाना है। वार्षिक यानी कि समझते हो आप 12 माही, तो एक बार 12 माही के रास्ते चलाना है समय को, एक बार 6 माही। अच्छा 1 सही 1/4 वर्ष 15 माह होता है क्या, तो समय है 15 माह। चलो तो भैया ये कोई राशि है, किसी राशि पर टोटल 15 महीने का समय अंतराल है, कितना माह है 15 माह, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे आप, टोटल कितना महीना है 15 महीना है, समझ आ रही है बात, क्लियर है ना, किसी राशि पर टोटल 15 महीना है, इस 15 महीने को
एक बार 12 माह का एक साइकिल बना बना के चलाओगे, एक बार 6 महीने का। तो चलिए देखिए, पहले 6 महीने का साइकिल बना लूं, तो 15 महीने में 6 महीने का सेट जब बनाऊंगा तो 1-2 पहला 6 माह का बनेगा, दूसरा 6 माह का बनेगा, तीसरा हमारी मजबूरी है केवल 3 माह का सेट बन पाएगा। क्या बोलो बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? 15 माह को 6 महीने के सेट में चलाओगे, 6-6-3, इसी 15 महीने को 12 माह के सेट में चलाओगे तो 12 महीने का एक सेट बनेगा, यहां से यहां तक का एक सेट बनेगा, और इसमें भी 3 महीना अलग से बच जाएगा, मजबूरी है। तो एक सेट बनेगा 12 माह का, एक सेट बनेगा 3 माह का। समझ आई बात? क्लियर है ना? 6 माह यानी कि 6-6 महीना और 3 महीना, 12 माह यानी कि 12 महीने के बाद 15 में से 3। क्लियर? तो ये हमने चलाया 12 माह, ये हमने चलाया 6 माह, उसी राशि को 15 महीने का टोटल अंतराल है ना। और इन दोनों रास्तों से बनने वाले ब्याज का अंतर निकालना है। अब देखो, रेट क्या? 8% वार्षिक, 8% वार्षिक यानी कि भैया 12 महीने का 8% है। अब देखो आप जरा, यदि 12 महीने का 8% है तो बताओ 6 महीने का 4% आएगा, 6 महीने का 4 है तो इसका भी आधा कर दो, 3 महीने का 2 आएगा। समझ आई बात? चलो, तो 12 महीने का 8% तो 12 महीने पे रेट आएगा 8% है ना, 12 महीने पर कितना रेट आएगा? 8%। 3 महीने पर 2% है तो 3 महीने पर रेट कितना आएगा? 2%। फिर 6 महीने पर 4% है तो 6 महीने पर रेट कितना आएगा? 4%। फिर 6 महीने पे 4%, 6 महीने का 4%, 3 महीने का 2%, 2%। अब ध्यान देना, यहाँ दो सेट है, दो साइकिल है, यहाँ 3 साइकिल है। समझ आई बात? तो दो तरीके में इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, ठीक है। 5,000 रुपये मूलधन आपको दिया है, 5,000 रुपये मूलधन आपको दिया है। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, एक तो रिजल्टेंट वाला तरीका मैं आपको बताऊंगा, है ना, ठीक है। डिफरेंट रेट में ए बी सी डी तो काम करता नहीं है, ए बी सी डी वाले फॉर्मूले केवल कहाँ काम करेंगे? जब रेट सेम होगा। डिफरेंट रेट में ए बी सी डी हो जाएगा फेल, तब बचा रिजल्टेंट और एक और रेशियो। रेशियो भी टफ हो जाएगा, रेशियो से भी नहीं जाएंगे, रिजल्टेंट और एक और दूसरा तरीका बताऊंगा आपको। पहले तो रिजल्टेंट निकाल लें। देखो जरा, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 8 और 2 10.16% आएगा, और इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 9 10 3 2 16 32, 10.3232 ये आएगा इसका, ये आएगा। जितनी जल्दी रिजल्टेंट निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। 8 और 2 का 10.16 ओरली आना चाहिए, जो फॉर्मूले बताए थे उससे। 4 8 10 10 और 32 32 और 16 8 8 16 32, 10.3232%। अब इन दोनों का डिफरेंस जब आप लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 0.1632% डिफरेंस आएगा इन दोनों का, और ये डिफरेंस 0.1632% 0.1632% जो डिफरेंस है, ये इसका वैल्यू हमें निकालना है। समझ आई बात? तो अब देखो, दोनों तरफ से बनने वाले ब्याज का अंतर 0.1632% है कि नहीं है, तो हमें अंतर ही निकालना है। तो सीधे अंतर कैसे निकालोगे? वो जो आंसर है वो आंसर आपका कैसे आएगा? 5,000 पे ओवरऑल इतना परसेंट का डिफरेंस पड़ रहा है, 5,000 पर। मैं रिजल्टेंट बताता हूँ कैसे निकाला मैंने, मेरे को पता है आप लोग भूल गए होंगे। 5,000 का 0.1632% जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 8.16 रुपीज, ये आंसर होगा इसका। 8 और 2 का रिजल्टेंट ये बनेगा, 4 4 2 का रिजल्टेंट ये बनेगा, दोनों से बनने वाले ब्याज का अंतर प्रतिशत 0.1632%, यानी कि 5,000 पे इतने परसेंट का डिफरेंस रुपया बनेगा दोनों ओर से बनने वाले ब्याज का। इस 5,000 × 0.1632% बटा 100 करके हल करोगे तो 8.16 रुपीज आएगा आंसर। समझ आई बात? क्लियर। अब रिजल्टेंट कैसे बनाए बताओ, 8 और 2 8 और 2, तो भैया ये एक्स परसेंट है, वाई परसेंट है, आपको बताया था मैंने, एक तरफ जोड़ो और एक तरफ गुणा करो, 2+, तो x प्लस वाई 8+2 10 और 8 × 2 16, 10.16% आएगा कि नहीं आएगा बोलो। और नीचे 4 4 2, नीचे 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, 4 4 और 2, तो क्या फॉर्मूला है? 3 वाला। ये x परसेंट है, y परसेंट है, z परसेंट है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, फिर मैंने यहाँ बताया था आपको xy प्लस yz प्लस zx
और यहां बताया था मैंने आपको एक्स वाई जेड, है ना, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया 10, एक्स वाई जेड कितना हो गया 32, दो प्लस भरना है, किस्मत से दो ही आए, बताओ आएगा 32, आएगा कि नहीं आएगा 32, 4 × 4 × 2, और यहाँ 4 × 16, 4 × 2 = 8, 16 × 8 = 8, 32 आएगा। तो 10.3232%, ये काम ओरली करने की आदत डालो अब आप, है ना, ये काम हमें ओरली करने की आदत अब डालना है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे, है ना। तो ये समझ में आया कैसे बना, तो ऐसे आंसर आएगा। दूसरा तरीका ट्री वाला, ट्री वाला तरीका, 5000 पे इधर से बनने वाला ब्याज बना लेते हैं, है ना, और 5000 पे इधर से भी बनने वाला ब्याज बना लेते हैं, तीन साइकिल चलेंगे, 4%, 4% और 2%, समझ आई बात, है ना। इधर आएगा 4 × 4 = 2, इधर आएगा 8 × 2, क्लियर। चलिए अब आप जानते हो एक प्रकार से दो सेट है, एक प्रकार से इधर तीन सेट है, क्लियर। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व इसको। इसका 8% कितना होगा, तीन गोले बनेंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ कितने गोले बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, पता है ना आप लोगों को, ठीक है, है ना। अब देखो 5000 का 8% कितना आएगा, 8% आएगा 400, है ना। पहले सेट में जो भी ब्याज बनेगा वो 8% से बनेगा, दूसरे सेट में जो भी बनेगा वो 2% से बनेगा। तो 5000 का 2% कितना आएगा, 100 रुपये, और ब्याज पे ब्याज इधर का भी 2% कितना आएगा, 8 रुपये। एक चीज़ ध्यान देना, दूसरे सेट में जो भी पैसा आएगा वो किस परसेंटेज से होते हुए आएगा, 2%। तो 5000 का 2% 100 रुपये, 400 का 2% 8 रुपये, समझे कि नहीं समझे बात को। तो देखो इधर ब्याज बना 508 रुपये, यानी कि इधर का ब्याज कितना बनेगा, देखो 508 रुपये। अब इधर का ब्याज नीचे का देख ले कितना बनेगा, तो इसका 4% कितना होगा, 4% होगा इसका 200, इसका 4% होगा 200, इसका भी 4% ही आएगा क्योंकि 4 है, इसका 4% आएगा 8 रुपये। अब इसका तीसरे सेट में जो भी पैसा आएगा 2% से होते हुए आएगा, तो 5000 का 2% कितना है, 100 रुपये, इसका भी 2%, इसका भी 2%, इसका भी 2%, तो इसका 2% है 4 रुपये, इसका 2% है 4 रुपये, इसका 2% कितना है, 0.16, क्लियर, समझ आई बात। अब हमें इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस निकालना, इसका और इसका डिफरेंस, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ऊपर वाला बनने वाला ब्याज इतना रुपए, नीचे वाला इतना रुपए। देखो ये 508 है क्या, 400 × 108 508 से 508 काट दो, ये डिफरेंस देखो 8.16 रुपये आया कि नहीं आया, 508 से 508 काट दो, मतलब इसमें इसको माइनस करा, तो 508 में से 508 गया, 8.16 आएगा कि नहीं आएगा अंतर दोनों ब्याज का, तो कितना आएगा अंतर, 8.16 रुपीस। तो ये भी एक तरीका, एक रिजल्टेंट वाला तरीका, एक ये ट्री वाला तरीका, समझ आई बात आप लोगों को। 2% से आएगा जो भी पैसा आएगा सारा, 2% 2% 2%, ट्री बनाना आता है ना। अगले टाइप में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंट रेट बहुत अच्छे से, ठीक है, तो वहां आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, है ना, ये जो प्रॉब्लम है। ये समझ में आया आपको कैसे किया, कैसे 12 माही 6 माही में तोड़ा, पहले तो स्ट्रक्चर बनाया, समझ, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमारा इसके बाद है टाइप 7। टाइप 7 में भी जो सीखा है अभी तक वही यूज है, टाइप 7 भी पूरा अभी तक जो सीखा है उसी आधार पर हो जाएगा पूरा, है ना, दिक्कत वैसे आएगी नहीं टाइप 7 में भी आपको, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं आगे, ठीक है, हाँ, तो समझ में आई बात। चलिए अब कल पढ़ेंगे, इतना ही था आज की कहानी हमारी, है ना, ठीक है, ओके, मिलते हैं, बाय बाय।